वो अज्ञानी अपनी बात करके अपना वो लेके जाता है सब। तो मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तुमने खाली डालडा भरी थी, हमने डालडा तुम्हारी निकाली है, खाली दबा कर दिया। तुमने अपने में डालडा भरा था, ऐसे नहीं भरा था, गड्ढा भी भरा था, डालडा भी भरा था, किसने क्या भरा, किसने क्या भरा भरा, ऐसे नहीं तू खाली है, भरा कुछ ना कुछ भरा है। कोई मटके में हीरा डालता है, कोई मटके में मक्खन डालता है, कोई मटके में लस्सी डालता है, पर तू ही भरता है ना, तो इधर क्या भरा वो हमको बताओ, इधर क्या भरा वो खाली। हम तुम्हारा सब का मटका उल्टा करेंगे, जो तुमने पहले कर्म किया है मेरे को पसंद नहीं है। गुरबिन माला पेते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है कहते वेद पुराण। गुरु के इशारे के सवय जो तू करेगा सीधा नरक में जाएगा, तब तक तुम्हारी हालत बेगानी रहेगी, बेगानी। एक देखो कुत्ता है, मालिक का कुत्ता है, मोटर में घूमता है और गले में उसको पट्टा भी पड़ा है, चेन भी है, पर जो रस्ते में रोलू कुत्ता है उसको कौन सी चेन है, कौन सा पट्टा है, वो रस्ते का घूम खाता है किचरा। कितना देखो उसका जन्म नीच है, एक कुत्ता मोटर में घूमता है, एक कुत्ता रस्ते में किचरा खाता है। तुम भी ऐसे है, जे तू भगवान का नहीं बनेगा तो तुमको भी रस्ते का किचरा खाना पड़ेगा, गली गली घूमनी पड़ेगी, तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए हम तुम्हारा मटका टोटली उल्टा करेगा, जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने पाया, जो तुमने कहा, हम टोटली चेंज कर देगा, बिल्कुल तुम्हारे को उल्टा करेंगे। खाली हो जाओ, मेरे पास आओ, मटका खाली करके नलके के नीचे धो के भी आना। ऐसे नहीं हम ये अपना पूरी पकौड़ा कैसे डालेगा। एक दिन एक संत करमंडल लेके गया, राजा के पास भिक्षा लेने को गया, तो राजा उसको अभी खाना देता है, देखता है उसके करमंडल में लिड भरी पड़ी है, कि मैं इसमें कैसे पूरी पकौड़ा डालेगा, तुमने करमंडल में लिड क्यों भरी है, मैं नहीं डालूंगा, कि मैं भी तेरे को ज्ञान नहीं देगा, तुमको भी लिड भरी पड़ी है, तुमको भी लिड भरी पड़ी है, मैं भी तेरे में ये इतना हीरा आत्मा रूपी हीरा मैं तुमको कैसे देगा। अभी तुमको समझ में आया तो जब भी करमंडल खाली होगा, वही दूसरा करमंडल लेके संत के पास गया, तो वो जो डाले वो करमंडल भरे ही ना, ये वाली कौन सा करमंडल लेके आया जो भरता नहीं, मैंने तो समझा मैं राजा हूँ, तेरा करमंडल सब चीज से भर देगा, देखा तो नीचे छेद लगा पड़ा है, छेद लगा पड़ा है तो करमंडल कब भरेगा। देखो तुम्हारे भी हाथ में छेद लगा पड़ा है, तुम हर बात खाते पीते रोते रहते हैं, अत्र पर खाते पीते भगवान का माल पानी, और तुम बोलते है मैं खा लू भगवान, मैं खा लू, अभी तक मेरे को तिरुपति नहीं है, न ज्ञान से न माया से न इससे तिरुपति नहीं आती है, मैं क्या करूं। तो देखो उसको नीचे छेद लगा पड़ा है, अहंकार लगा पड़ा है, अहंकार का छेद लगा पड़ा है, मोह का छेद लगा पड़ा है,